गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो था आपका पार्ट ताना ताना हाथ जोड़ी। इस पार्ट में आपको क्या एक्टिविटी है, क्या वर्क आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है वो बताया गया था। अब अभी हम आपको बताएंगे कि आपको इस पार्ट में मधु जी ने, मधु पानकरे जी ने क्या बताना चाहे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये पार्ट है आपका जो सहायक वचन का जो थर्ड चैप्टर है, सहायक वचन का जो तीसरा पार्ट है आपका ताना ताना हाथ जोड़ी, ये जो है वो एक यात्रा वृतांत है। और ये आपको पता है कि यात्रा वृतांत क्या होता है बेटा, कि जब कोई लेखक किसी यात्रा से लौटता है, मतलब तो किसी यात्रा पर वो जाता है, और जब किसी यात्रा से वो लौटता है और उस यात्रा को जो उसने वहाँ पर महसूस किया, जो उसको वहाँ अच्छा लगा, जो उसको वहाँ बुरा लगा, जो उसने वहाँ देखा, वो सब कुछ अपने शब्दों में उसका वर्णन करता है, वो कहलाता है यात्रा वृतांत। तो जो पाठ है आपका ये पाठ तीन साना साना हाथ जोड़ी, ये मधु पानकरे जी ने लिखा है एक यात्रा वृतांत के रूप में। मतलब मधु पानकरे जी वहाँ पर घूमने जाती है, कहाँ पर जाती है, सिक्किम, सिक्किम प्रदेश में घूमने गई और उन्होंने वहाँ पर कैसा महसूस किया, क्या उनको वहाँ अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, उन सब का वर्णन यात्रा वृतांत के रूप में उन्होंने किया, जो कि इस पाठ का अंश है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें कि आपके जो पाठ का नाम है वो थोड़ा अलग है, आपको भी सुनने में लग रहा होगा साना साना हाथ जोड़ी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, ये एक प्रार्थना है जो कि एक नेपाली युवक ने उनको बताई थी, जिसका अर्थ होता है कि मैं छोटे छोटे हाथों से, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत विशाल है, तो यहाँ ये बताना चाह रही है कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों से हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि जो जो जितनी भी मेरी जो है वो क्या है, अब मेरा जो जीवन है वो अच्छाइयों से भरा हो, मेरा जो जीवन है वो क्या हो, अच्छाइयों से भरा हो, मैं हमेशा सबकी भलाई करूँ, सबका अच्छा करूँ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचूं, है ना। तो इस पार्ट में उन्होंने सिक्किम प्रदेश में वो किस तरह से घूमी, उन्होंने क्या क्या देखा, वहाँ बर्फ की पहाड़ियाँ देखी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखी, वाटरफॉल देखा, है ना, और भिन्न भिन्न तरह के फूल देखे, भिन्न भिन्न तरह के लोग देखे जो अपने अपने काम को बहुत रुचि देकर करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर मधु जी ने यात्रा वृतांत के रूप में सिक्किम प्रदेश के बारे में, सिक्किम प्रदेश की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो यही आपको इस पाठ के सारांश के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है, नोट कीजिए।